ओके, शीट नंबर 109, 109 पे एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, बिकॉज आर्किमिडीज प्रिंसिपल उस टाइम तक हमने किया नहीं था। शीट नंबर 109 का ये क्वेश्चन है पेंडिंग, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है कंटेनर के अंदर, ये लिक्विड है, इस पूरे लिक्विड का मास m है, m है, तो लिक्विड है, मास m है, और किसी ने एक पत्थर को लटका दिया धागे से विद द वेट ऑफ w एंड वॉल्यूम v, तो आपको बताना है कि वेइंग स्केल क्या रीडिंग मेजर करेगा, पानी का वेट प्लस पत्थर का वेट। कितने लोग एग्री करते हैं पानी का वेट प्लस पत्थर का वेट? पत्थर का वेट क्यों भाई? पत्थर तो किसी और ने पकड़ के रखा हुआ है, जमीन पे थोड़ी ना, फ्लोर पे थोड़ी ना, जो पूरा भार लगा रहा है। तो कितने लोग कहते हैं सिर्फ पानी का वेट, क्योंकि पत्थर को तो पकड़ के रखा हुआ है, सोचना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने क्या पूछा? पानी का वेट तो होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इसमें स्टोन का वेट ऐड होगा? अगर तो स्टोन इसके नीचे जमीन पे पड़ा होता फिर तो होता, पक्का होता, पर अब तो धागे से बांध के रखा हुआ है, किसी और ने पकड़ के रखा हुआ है, तो स्टोन का पूरा वेट तो काउंट नहीं होता एटलीस्ट, ठीक। तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से सुनना है कि पत्थर का वेट तो इसमें काउंट होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस स्टोन को किसी और ने पकड़ के रखा हुआ है, तो वो अपनी फोर्स लगाता जा रहा है, तो ये नीचे फोर्स तो लगा नहीं रहा, बट क्योंकि ये वाटर में है तो वाटर इसके ऊपर क्या लगाएगा? अप थ्रस्ट। और हमने अभी तक ये पॉइंट कभी डिस्कस नहीं किया, पहली बार कर रहे हैं। ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, जब वाटर अप थ्रस्ट लगाता है स्टोन के ऊपर, तो स्टोन भी इक्वल एंड ऑपोजिट अप थ्रस्ट लगाता है वाटर के ऊपर। आपको पहले तो कभी बोले ही नहीं, हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया कभी बात ही नहीं की। अब लेक में कोई चीज तैर रही है, तो लेक पे अगर अपथ्रस्ट लग भी गया एक स्टोन की वजह से, वो अपथ्रस्ट होता ही इतना छोटा है, हम उसको कंसिडर करते ही नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो अप, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, याद है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी पे भी लगती है और बॉडी ग्राउंड पे भी लगाती है, तो ग्राउंड को हम कंसिडर नहीं करते। बिल्कुल उसी तरीके से अगर लिक्विड इस स्टोन पे अपथ्रस्ट लगाएगा, तो स्टोन भी बदले में नीचे क्या लगाएगा? अप थ्रस्ट लगाएगा। तो यहां पर फ्लोर पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो एक्चुअल में इसकी रीडिंग देगा वेट की। तो अब फ्लोर पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एक तो पानी का वेट लग रहा है mg, एक क्या लग रहा है? अप थ्रस्ट लग रहा है, और बदले में क्या मिल रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? पानी का वेट mg और साथ में अप थ्रस्ट। और अप थ्रस्ट क्या होगा इस स्टोन के ऊपर? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ स्टोन, बात एक ही है, क्योंकि जितना स्टोन का वॉल्यूम है उतना वाटर डिस्प्लेस का वॉल्यूम है। अप थ्रस्ट में किसकी डेंसिटी आती है? लिक्विड की, तो लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी, तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला पुट कर दिया, ये रीडिंग आएगी वेइंग स्केल के ऊपर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? वेइंग स्केल पे क्या रीडिंग आएगी? ना ना, ऐसा होता है, वो अप थ्रस्ट स्टोन पे लग गया, लेकिन वो अप थ्रस्ट ग्राउंड पे लग गया, स्टोन की का क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, क्वेश्चन तो ग्राउंड पे रीडिंग का पूछ लिया, तो वो तो काउंट करना पड़ेगा। ऐसे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। अब एक फ्रिक्शन लगती है ब्लॉक पे, एक लगती है ग्राउंड पे, अलग अलग बॉडीज पे लगती है। तो यहाँ पर पानी का क्वेश्चन है, पानी पे क्या फोर्स लग रही है, स्टोन पे क्या लग रही है, हमें मतलब नहीं है उससे। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये असाइनमेंट हमारी कंप्लीट होती है 109 पूरी तरीके से। नेक्स्ट जो है इसमें 109 के बाद 110, 110 सारी कंप्लीट हो गई थी शायद, ओके 110 और कंप्लीट है। नेक्स्ट है 111, नेक्स्ट इज 111। इस 111 शीट के अंदर आप सबसे पहले पहले पेज को छोड़ के सेकेंड इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन है, यहाँ पर ये टायर्स हैं, टायर्स हैं, टायर्स की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए गिवन है आपको, अंदर लिक्विड है ट्यूब में, ट्यूब दोनों तरफ से ओपन है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे ट्यूब से पानी तो बाहर ही गिर जाएगा, ऑब्वियसली ट्यूब बंद तो ना कर रखी है तो पानी नीचे गिर जाएगा, पर मैं इसे इतनी तेज एक्सेलरेट करवा रहा हूँ कि पानी पे सूडो फोर्स लग रही है, तो पानी पीछे की तरफ ही फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, और इस तरीके से ये डायग्राम है, पानी की हाइट है यहाँ पर एच, आपको बताना है कि मैं कितना एक्सेलरेट करवाऊँ व्हील्स की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या हो कि पानी एच हाइट पर रहे। तो अगर व्हील्स की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है तो व्हील्स क्या कर रहे हैं, रोल, और रोलिंग मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 2a। तो अगर व्हील्स की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन ए है तो इस पूरे ट्यूब की आगे जाने की एक्सेलरेशन कितनी है, 2a है, तो पानी पे सूडो फोर्स कितनी लग रही है, ए नहीं 2a के हिसाब से लग रही है, ये स्टेप क्लियर है, क्योंकि व्हील की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन अगर a है तो लिक्विड पीछे की तरफ एक्सेलरेशन क्या एक्सपीरियंस करेगा, 2a, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है रोलिंग मोशन में वो डबल होती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट की एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास से क्या होती है, डबल होती है। तो इसके अंदर ए पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक से ओपन है, एटमॉस्फेरिक तो होगा ही होगा, प्लस एच रो जी भी होगा, और ए पॉइंट पर यहां से भी प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। तो हॉरिजॉन्टल में बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा होगा, एच रो जी की जगह एच की जगह एल, रो ए की जगह 2a, तो एल रो 2a, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इसके अंदर एक बार ए का प्रेशर वर्टिकल से निकाल लिया पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, एक बार हॉरिजॉन्टल से निकाल लिया पी एटमोस्फेरिक प्लस रो एल 2a, ये स्टेप क्लियर है। दोनों प्रेशर्स को इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया पी एटमोस्फेरिक से पी एटमोस्फेरिक कैंसल, रो से रो कैंसल, ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो कैसे सॉल्व किया ये क्वेश्चन, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, क्वेश्चन है कि मान लो ये आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब को आप एक्सेलरेट करवा रहे हो आगे की तरफ, वैसे लेवल लिक्विड का सेम था, पर जब आप एक्सेलरेट करवा रहे हो तो सूडो फोर्स की वजह से ट्यूब का पानी थोड़ा पीछे चला गया और लेवल में डिफरेंस आ गया। तो इसके अंदर ये जो लेवल है, ये जो लेवल है डिफरेंस है, और कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, एच का डिफरेंस है। आपको बताना है कि इस केस में हाइट की ये लेवल का डिफरेंस क्या होगा अगर एक्सेलरेशन ट्यूब की ए है। मेरे को फर्स्ट मेथड की बजाय इसका सेकंड मेथड पसंद है, मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस नहीं करूंगा, दूसरे बैच में डिस्कस भी किया तो कुछ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहा, सेकंड एकदम क्लियर है। सेकंड मेथड के अंदर, और फर्स्ट मेथड थोड़ा सा गलत भी है वैसे बता दूं मैं आपको, मैं ठीक भी करवा दूंगा अभी। सेकंड मेथड में मान लेते हैं कि यहाँ पर हाइट एच टू है, यहां पर हाइट h1 है और डिफरेंस ऑफ हाइट h है। वही पुरानी टेक्निक यूज करेंगे कि जहां पर बॉटम पे a और b पॉइंट है, एक बार प्रेशर वर्टिकल से, एक बार वर्टिकल से और एक बार हॉरिजॉन्टल से। तो a पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, p एटमॉस्फेरिक प्लस h2 रो g। b पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, p एटमॉस्फेरिक प्लस h1 रो g। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, पी ए माइनस पी बी, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो एच टू माइनस एच वन इंटू रो इंटू जी हो जाएगा, तो एक इक्वेशन। लेकिन पी ए माइनस पी बी की वैल्यू आप हॉरिजॉन्टल से भी निकाल सकते हैं, कैसे, ए पॉइंट का प्रेशर बी से तो बड़ा होगा क्योंकि सूडो फोर्स की वजह से पीछे के प्रेशर बड़े आगे के छोटे हैं, तो पी ए माइनस पी बी इज एच रो जी की जगह एल रो ए, तो पी ए माइनस पी बी एल रो ए,
एक बार यहां से निकल गया पीए माइनस पीबी, एक बार एल रो ए से निकल गया, दोनों को इक्वेट कर लो, दोनों को इक्वेट करोगे तो यहां से रो कैंसल, तो और एच टू माइनस एच वन की वैल्यू क्या है, एच, तो एच कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? यहां से एच की वैल्यू आएगी। ये बढ़िया मेथड है वैसे। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक, जो मेथड नंबर वन है उसका हल्का सा हिंट दे देता हूं मैं, और क्या इसमें मिस्टेक है ये भी बता देता हूं। ये डायग्राम जो है थोड़ा सा इसमें करेक्शन होगी इस डायग्राम में। देखो कैसे, सपोज मैंने क्या किया, ये एंगल थीटा मान लिया, थीटा यहां पर ये वाला कोने का पॉइंट ले लिया, तो अगर इस ट्यूब के इस कोने का पॉइंट लिया जाएगा यहां पे, तो क्योंकि ट्यूब आगे एक्सलरेट कर रही है तो ये कोने के पॉइंट पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स, जो पानी का पार्टिकल है अंदर, ये वाटर पार्टिकल है, इस पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स। तो एक्सेलेशन, सूडो एक्सेलेशन कहां लगेगी, पीछे की तरफ। जी की वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, और ये जो एंगल है हाइट के साथ, ये जो हाइट एच है इसके साथ, ये हाइट कितना है, एच है, और ये एंगल कितना है, ये थीट है। ठीक, ये एंगल थीट है, राइट। तो इसमें अगर मैं इस लाइन को यहां स्ट्रेट ले जाऊं, इसके परपेंडिकुलर एक ज्योमेट्री बनाऊं कुछ इस तरीके से, सच दैट अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना, ये थीटा, राइट। तो ऐसे अगर ये थीटा तो ये एंगल भी कितना, थीटा, राइट, ये थीटा। अब इस केस में अगर ये एंगल थीटा, तो जैसे मैंने बताया 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो अगर मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ये अगर ए है तो ये भी कितना है, ए है। तो टैन थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ए डिवाइडेड बाय जी। फर्स्ट स्टेप क्लियर है? लेकिन टैन थीटा की वैल्यू बाय ज्योमेट्री आप ये भी देख सकते हो, एच बाय एल, तो एच डिवाइडेड बाय एल। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ए बाय जी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एल, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल ए डिवाइडेड बाय जी। आंसर आ गया।